वेलकम एवरीवन, वेलकम एट सीएस नॉट सॉम जीएसटी क्विक अपडेट न्यूज। दोस्तों, कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें काफी कुछ अनाउंसमेंट स्मॉल ट्रेडर स्मॉल बिजनेसमैन के लिए हुए हैं। हम लोग जितने भी बिजनेस करने वाले थे बहुत ज्यादा परेशान थे, स्पेशली जो स्मॉल ट्रेडर थे जिन्हें जीएसटी समझ में भी नहीं आ रहा था और फाइलिंग के लिए भी रिटर्न्स के लिए भी बहुत ज्यादा इश्यूज शुरू थे। तो देखते हैं कल आपके लिए दिवाली पे क्या क्या तोहफे दिए हैं जीएसटी काउंसिल ने। सबसे पहले हम न्यूज शुरू करते हैं तो हेडलाइंस देखते हैं। टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न बट पे टैक्स मंथली। हियर यू कैन फाइल योर रिटर्न क्वार्टरली बट यू नीड टू पे टैक्स मंथली। कंपोजिशन स्कीम लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 crore फ्रॉम 75 lakh। आरसीएम डिफर्ड टिल 31st March 2018 एज ऑफ नाउ। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो 31st March 2018 तक डिफर्ड कर दिया गया है, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। सर्विस प्रोवाइडर टर्नओवर लेस देन 20 लाख फ्री फ्रॉम इंटर स्टेट सप्लाई विदाउट जीएसटी। यानी जो सर्विस प्रोवाइडर थे, जो प्रोफेशनल थे या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर थे जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, अप टू 20 लाख है, वो अब इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं विदाउट। अब डिटेल एनालिसिस हम चार न्यूज का हेडलाइंस का देखते हैं। क्वार्टरली रिटर्न, दोज हु हैव टर्नओवर टिल अप टू 1.5 करोड़ नाउ फाइल क्वार्टरली रिटर्न इंस्टेड ऑफ मंथली रिटर्न। फॉर दोज विद टर्नओवर अबव रुपीज 1.5 करोड़ द एग्जिस्टिंग सिस्टम विल कंटिन्यू ऑफ 3 रिटर्न पर मंथ एंड सो ऑन। यानी जिन लोगों का अब 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है उन्हें मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी है, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जिन लोगों का 1.5 करोड़ के ऊपर हैं, उनके लिए जो सिस्टम चालू था मंथली वाला वही चालू रहेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्वार्टरली रिटर्न देनी है लेकिन आपको टैक्स हर महीने पेड करना होगा, यानी टीवी टाइप की जो रिटर्न थी आपकी वो कंटिन्यू रहेगी टैक्स सिस्टम के लिए। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आपने देखा था 75 lakh से 1 करोड़ किया गया था। द कंपोजिशन स्कीम वेयर फॉर्म्स विद अप टू 75 lakh टर्नओवर कैन पार्टिसिपेट नाउ दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टुडे टू इंक्लूड फॉर्म्स विद टर्नओवर अप टू रुपीज 1 crore। देयर आर 3 types ऑफ टैक्स पेयर अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में 3 तरीके के टैक्स पेयर को लिया गया। ट्रेडिंग फॉर्म्स विल पे 1% टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स विल हैव टू पे 2% एंड रेस्टोरेंट्स विल हैव टू पे 5%। यानी 75 लाख से ऊपर का टर्नओवर बढ़ा के उसे 1 crore रुपए कर दिया गया है कंपोजिशन स्कीम के लिए। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ने काफी परेशान किया, सभी स्मॉल ट्रेडर्स को भी परेशान किया, सभी मार्केट के अंदर जितने भी व्यापारी थे उन सभी को परेशान किया है। रिवर्स चार्ज की वजह से जो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे पूरा मार्केट ठप होने को आ गया था। गवर्नमेंट ने, जीएसटी काउंसिल ने भी इसे बहुत ज्यादा गंभीर रूप से लिया, इसलिए एक बार इसे 31st March 2018 तक इसे बार कर दिया गया है। अब कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होगा, यानी जिन लोगों ने अब तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जो अनरजिस्टर्ड थे, जो लेने वाले थे, अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पे थे तो वो अब इस चीज से बहुत बड़ा रिलीफ ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा रिलीफ सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी आया कि बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारे ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स थे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए था भी नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें जीएसटी के अंदर आना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है कि जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है अब उन्हें इंटर स्टेट सप्लाई से डरने की जरूरत नहीं है, वो विदाउट एनी फियर अपनी सप्लाई जो है सर्विसेज जो प्रोवाइडिंग है वो दूसरे स्टेट में भी दे सकते हैं 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर जिनका है।
दोस्तों यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे इंटरस्टेट और जो अब तक डर रहे थे कि करें या ना करें, तो वो अब खुलकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने आज यहाँ पे सिर्फ चार न्यूज़ लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में स्टेप टू स्टेप हम सब न्यूज़ लेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये पार्ट वन था, पार्ट टू आएगा, कौन कौन से सेलिब्रिटीज चेंज हुए हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि फटाफट आपको अपडेट मिलते रहें। और दोस्तों अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिए, बिकॉज आपका एक शेयर किसी दूसरे का लॉस बता सकता है। थैंक यू एवरीवन।